Hello viewers, welcome back to my channel again. So as हम as per this time हम लोग क्या कर चुके हैं अभी तक comparator, add instruction, math function as well as एक single push button का logic भी करके देखा है. So this is the time to make a real time project. तो हम लोग आज क्या करेंगे, एक basic water tank logic करेंगे. Like एक water tank रहेगा जिसपे level low होते ही pump चालू होगा और जब आपका level 100% भर जाएगा tank तो आपका pump automatic बंद होगा. तो हम ये तभी आपको पूरा पता चलेगा, हम प्रोजेक्ट करते करते आपको पूरा पता चलेगा एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाहता हूँ. ठीक है, तो पहले तो एक पंप को ऑन करने के लिए हमको चाहिए स्टार्ट स्टॉप लॉजिक. ठीक है, जैसे कि मैं ले लेता हूँ पहले M1.0. ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे करेंगे, स्पीड में करेंगे थोड़ा. स्टार्ट पुश बटन. ठीक है, ये हमने पहले भी कर चुके हैं, पहला चैप्टर पे ही हम पहला M1.0 पे स्टार्ट पुश बटन है उस पर हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे रैंडमली ले लेंगे, लेट्स से M100.0 जिसका नाम, ये एक मेमोरी बिट है एक्चुअली, कोई आउटपुट मतलब रियल टाइम आउटपुट नहीं है. इसको नाम दे देते हैं साइकिल ऑन मेमोरी बिट. ठीक है, क्यों कर रहा हूँ पता चलेगा आपको. तो हम इसका M100.0 जो है इसको साइकिल ऑन मेमोरी बिट करके नाम दिया है क्योंकि हमारा स्टार्ट पुश बटन दबाया तो चालू होना चाहिए. क्विकली हम स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना देते हैं एक बार. ठीक है, अभी हमारे पास तो रियल टाइम सेंसर नहीं, इसको हर एक रंग को कमेंट दे दिया कीजिए ताकि जो भी आपके पास आपका कंपनी में प्रोजेक्ट देखेगा उसको समझे. ठीक है, उसके बाद अभी क्या करना है आपको, आपके पास अभी हमारे पास क्योंकि सिमुलेटर है, रियल टाइम तो पीएलसी या फिर इनपुट्स या फिर सेंसर नहीं है, तो पहले सेंसर हमको डिजाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो सेंसर के लिए मैं क्या कर देता हूँ, अभी जैसे ही साइकिल ऑन हुआ, ठीक है, अभी मैं क्या लिखता हूँ, साइकिल ऑन हुआ. ठीक है, और एक मेमोरी बिट हम लेते हैं जिसका नाम देते हैं सेंसर दे देते हैं. ठीक है, M1.3 नाम देता हूं मैं. ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लो लेवल सेंसर. ठीक है, और एक आउटपुट ले लेते हैं Q0.1, इसका नाम दे देते हैं पंप 1. ठीक है, अभी कोई साइकिल स्टार्ट दबाया तो साइकिल ऑन मेमोरी बिट ऑन हो जाएगा जब तक कोई स्टॉप नहीं दबाता. अभी जैसे साइकिल ऑन हो गया और टैंक में लेवल लो है तो पंप ऑन हो जाएगा. ठीक है, और ऑन होके कंटिन्यू पंप चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि लो लेवल चला गया तो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं, पंप चलता रहना चाहिए. कब तक, जब तक आपका M1.4 एक ले लेते हैं, M1.4 जिसका नाम दे देते हैं हम हाई लेवल. ठीक है, हाई लेवल सेंसर. लेट्स से टैंक पर तीन सेंसर है, लो लेवल, हाई लेवल और मीडियम लेवल. ठीक है, अभी सेंसर तो नहीं है, इनको डिजाइन कैसे करेंगे वो आगे जाके कर लेंगे. ठीक है, तो लो लेवल आते ही पंप चालू हो जाएगा और लो लेवल जाने के बाद भी पंप कंटिन्यू चालू रह जाएगा जब तक आपका हाई में पहुंच नहीं जाता पंप. ठीक है, तो अभी क्योंकि हमने ये M1.3, 1.4 ये सब तो यूज तो कर दिया, बाकी एक्चुअल सेंसर तो है नहीं हमारे साथ, तो हम इनको डिजाइन करेंगे कि लो लेवल कब ऑन होना है, हाई लेवल कब ऑन होना है. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्शन पढ़े थे उस दिन, मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, मैथ फंक्शन को ओपन करेंगे, एड ब्लॉक को लाऊंगा. मैं क्या करूंगा, एक वैल्यू लूंगा MD50. ठीक है, MD50 क्यों वैल्यू लूंगा, MD50 क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसको क्या करना है, अभी रीराइट करूंगा, इसको कर दूंगा इंटीजर. ठीक है, इंटीजर कर दूंगा MD50 को, सॉरी गलती हो गई, MD50. ठीक है, MD50 को मैं लिख दूंगा वाटर टैंक लेवल. ठीक है, सॉरी वाटर टैंक लेवल नहीं, इसका नाम दे देते काउंट. ओके,
चेंज कर दिया काउंट। अभी इस पे मैं क्या कर दूंगा, वन ऐड करूंगा और इसका वैल्यू काउंट पे ही स्टोर कर दूंगा वापस में। मतलब क्या है, अभी इस पे एनओ में मैं लगा दूंगा पंप वन। मतलब जब भी पंप ऑन होगा क्या होगा, अभी पहले तो जीरो रहेगा, जीरो में वन ऐड होके वन हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट क्या आ जाएगा वन। अभी ये और ये टैग सेम है, मतलब क्या होगा, ये लूप में रहेगा, इस पे वन ऐड होके ये यहाँ पे आएगा, वापस वन ऐड होके वापस इधर, ऐसे वन बाई वन ऑन होते होते जाएगा, ठीक है। पंप जब तक ऑन है तब तक ये काउंट वैल्यू बढ़ते बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगा, बट बाकी ये क्या होता है नॉर्मली 22,000-25,000 तक जाएगा, बट अपना टैंक को क्या करना पड़ेगा 100% तक दिखाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल यूज करेंगे, ठीक है। इस पर टाइप करते हैं स्केल इंस्ट्रक्शन पे, ठीक है। अब ये देखिए, लेगेसी पे जाओगे इधर स्केल मिलेगा आपको, ऐसे भी सर्च करते हो कर सकते हो, नहीं तो जैसे प्रीवियस वीडियो में किया था एक एम्प्टी बॉक्स डालना है, एम्प्टी बॉक्स में लिखना है, टाइप करना है स्केल, ये स्केल लेना है, स्केल एक्स नहीं स्केल लेना है, ठीक है। स्केल ले लिया मैंने, अभी ये स्केल में क्या होगा, ये जो MD50 को इसके साथ जोड़िए कहाँ पे, इन में, ठीक है। ये स्केल एक्चुअली आपका रियल टाइम पे भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है, जैसे कि कोई सेंसर का वैल्यू आपको देगा इनपुट, तो सेंसर तो ऐसे नहीं बताएगा कि 100% है बोल के, सेंसर एक PLC का काउंट वैल्यू में दिखाएगा, लाइक 25,000-22,000 ऐसे दिखाएगा, उसको आपको स्केलिंग करना पड़ेगा कि भाई 25,000 है तो 100% है, जीरो है तो जीरो है। तो हम हाई लिमिट दे देंगे 100.0, ठीक है, लो लिमिट दे देंगे 0.0 हमारा टैंक का। बाइपोलर मतलब क्या है, जीरो से कम हुआ तो माइनस में नॉर्मली रिजल्ट दिखा देता है, वो नहीं करना है हमको, तो रिजल्ट हमको माइनस में नहीं दिखाना है, तो बाइपोलर में रखना है जीरो, ठीक है, जीरो या फिर फॉल्स लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो है रिटर्न वैल्यू, मतलब ये फंक्शन ब्लॉक पे, मतलब ये जो स्केल वाला ब्लॉक पे कुछ एरर आएगा तो इधर दिखेगा, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट इसे RET लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी ये जो RET है इसको मैं क्या कर दूंगा, डिफाइन कैसे कर दूंगा, लोकल में ही, मतलब इधर ही लोकल टेम्प में ही मैं डिफाइन कर दूंगा, इसका मुझे कुछ लेना देना नहीं, आप इधर देख सकते हो नीचे दबाओगे तो इधर लोकल पे आएगा RET, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे लेना देना किससे, आउट पे, आउट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि MD54 इसको देता हूँ मैं नाम, ठीक है, MD50 इधर यूज किया था क्योंकि हमने डबल वर्ड यूज किया है, तो MD54 हमारा न्यू रहेगा, MD54 का रीनेम कर दूंगा, डेटा टाइप रियल ही रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा असली वाटर टैंक लेवल, ठीक है। अभी क्या होगा, हमको जैसे बोला था मैं लेवल लो कब करना है हाई कब करना है, ठीक है, इस पे मैं सब कुछ लिखूंगा कंपैरेटर यूज करके, ठीक है। कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन किधर गया, कंपैरेटर पे क्या होगा, अगर वाटर टैंक का लेवल मेरा, ये वाटर टैंक का लेवल ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, ठीक है, सर पहले हमको लो लेवल दिखाना है, इसको स्मॉलर देन इक्वल टू करते हैं, अगर हमारा टैंक का लेवल 20% से कम है तो क्या होगा, हमारा लेवल लो, करेक्ट। आउटपुट या आउटपुट पे इधर से हमने किया था लो लेवल सेंसर M1.3, इसको मैं करता हूँ कॉपी, इधर करता हूँ पेस्ट, इसका मतलब क्या है, अगर टैंक का लेवल अगर लेस देन 20 है तो लेवल लो ट्रिगर हो जाएगा, अगर लेवल लो ट्रिगर हो जाएगा क्या होगा, लो लेवल ट्रिगर होने के कारण पंप ऑन हो जाएगा, पंप ऑन होते क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो 20 अभी दिख रहा है वो 20 बढ़ते बढ़ते जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते कब तक, हाई पहुंचना चाहिए, अभी हाई का डिजाइन कर दूं, लेवल हाई का, इस पे मैं कमेंट कर देता हूं वाटर टैंक लेवल डिजाइन, मैं सेंसर डिजाइन बेसिकली कर रहा हूँ, एक्चुअल में जब रियल टाइम पे रियल प्रोजेक्ट पे सेंसर रहेगा आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको खाली ये और ये चाहिए बस, ये भी नहीं चाहिए एक्चुअली, खाली स्केल यूज करना है और ये लॉजिक लिखना है, ठीक है, बट क्योंकि हमारे पास नहीं है तो सेंसर डिजाइन करते हैं, और इससे आपका कंपैरेटर का जो प्रैक्टिस है, कंपैरेटर जितने भी ब्लॉक्स है, ये जो लेस देन स्मॉलर देन ये सबका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अभी इसको मैं करता हूँ कॉपी, इधर करता हूँ पेस्ट, अभी ये जो लेस देन इक्वल टू था मैं क्या कर दूंगा, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कब से, कि 50% से ऊपर अगर हुआ तो मेरा क्या होना चाहिए, मीडियम पे पहुंचना चाहिए, जैसे कि इस पे हम M1.3 M1.4 लिए हैं, ठीक है, अभी ले लूंगा M1.5,
मीडियम का तो कुछ काम नहीं है बट इंडिकेशन के लिए काम होगा। मीडियम से तो कुछ इंटरलॉक नहीं है हमारा, बट टैंक मीडियम में पहुंच जाए ऐसे पता होना चाहिए। तो इसका हो गया टैंक लेवल मीडियम, ठीक है, टैंक लेवल मीडियम हो गया, बट ग्रेटर देन 50 होना चाहिए एंड लेस देन 70 होना चाहिए, सॉरी लेस देन इक्वल टू, मैं इसको रख देता हूं 90, ठीक है, क्योंकि 90 के अबव हमको हाई दिखाना है, करेक्ट। अभी दूसरा क्या कर दूंगा मैं, ये क्या हो गया 50 से ऊपर 90 से नीचे रहेगा तो टैंक लेवल मीडियम दिखेगा। अभी क्या होगा, एक और लेते हैं, लो सेंसर हो गया मीडियम हो गया, अभी हाई दिखाना है, ठीक है। इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट, और वाटर टैंक का लेवल अगर आपका ग्रेटर देन 90 पहुंच जाता है तो आपका हो गया टैंक लेवल हाई। टैंक लेवल हाई का हमने लिखा है हाई लेवल सेंसर, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, M1.4 को कॉपी किया, इस पर आउटपुट लगाया और इस पर किया पेस्ट, हाई लेवल सेंसर, ठीक है। 90 से ऊपर है तो लेवल हो गया हाई, तो इससे क्या हो जाएगा, अभी आपका लो हो जाएगा, लो भी हो गया, मीडियम भी हो गया, हाई भी हो गया। अभी क्या होगा, लो मिला तो पंप चालू, अभी बढ़ते बढ़ते जैसे ही 90 के अबव होगा तो पंप ऑटोमेटिकली हो जाएगा बंद, ठीक है। तो इस पर एक एनिमेशन करते हैं, इसे मैं भी थोड़ा क्विक फास्ट करता हूँ मैं। ठीक है, इस पे देखिए, इधर एक आपको दिखेगा स्लाइडर करके, बार करके, वो बार को लाना है इधर, ठीक है। ये बार को थोड़ा टैंक जितना साइज हमको टैंक दिखाना है उतना साइज का इधर बना देते हैं, ठीक है। अभी इधर आप जाइए सिंबल फैक्ट्री में, ये इधर देखिए सिंबल फैक्ट्री दिखेगा, इसको लाइक के इधर छोड़िए, ठीक है। इस पर डबल क्लिक कीजिए, आपको जो सिंबल पसंद है वो ले सकते हैं इससे। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें जैसे कि मुझे पंप लेना है, ठीक है, ये पंप में मुझे लेना है ये वाला, ठीक है, डबल क्लिक किया, अभी इधर आ गया पंप। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, आपको अच्छा ग्राफिक डिजाइन भी इस पे थोड़ा दिख जाएगा कि कैसे इंडस्ट्रियल में डिजाइन करते हैं नॉर्मली, ठीक है। इधर दिख गया, अभी मैं वापस सिंबल फैक्ट्री के इधर क्लिक करूंगा, इस बार मुझे क्या लेना है, पाइप लेना है, ठीक है। तो पाइप्स पे क्लिक करो, ऐसा वाला पाइप चाहिए, पहले तो मुझे स्ट्रेट वाला पाइप चाहिए, ठीक है, इसको कर दिया। अभी मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, एक SS वाला पाइप चाहिए और एक बेंड भी चाहिए मुझे, ठीक है। कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया, डबल क्लिक किया, मुझे ऐसे एल बेंड भी चाहिए, ठीक है, एल बेंड भी ले लिया मैंने, ऐसे लगेगा एक, और एक इधर से इस तरफ बेंड होने का चाहिए, तो वो भी ले लेता हूँ, कंट्रोल से कंट्रोल भी, डबल क्लिक, ऐसे भी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली ये हम टीपी वाला ऐसे में लिया है, टच पैनल वाला, अगर केटीपी बेसिक का लोगे तो आपको सिंबल फैक्ट्री नहीं मिलेगा, बट ऐसे सिंबल मिल जाएगा दूसरा ऑप्शन पे, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, मुझे डाउन वाला रेक चाहिए, ठीक है। अभी मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, मैं रीअरेंज करके वापस ये करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने डिजाइन किया है पाइपिंग का, थोड़ा टाइम टेकन है, मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था,
ये आपके हिसाब से आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं कि इतना अच्छा बनाना ही है, बट जितना अच्छा प्रेजेंटेशन करोगे उतना बढ़िया प्रोजेक्ट के ऊपर असर होता है। सो मोटर ऑन है कि नहीं जानने के लिए मैं एक एनिमेशन इस पे करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करके ऑर्डर पे जाके सेंड टू बैक कर देता हूँ। ठीक है, अभी इस पे हमारा स्टार्ट स्टॉप बटन भी लिया है हमने, तो लॉजिक पे इस पे भी दिखा देंगे स्टार्ट स्टॉप पॉज बटन। और अभी जैसे कि हमने सेंसर का दिया था नाम, सारे सेंसर का दिखा देंगे, जैसे कि यहाँ पे है तो ये सेंसर का नाम होना चाहिए लव। एल, ठीक है, एल स्टैंड्स पर लो। अभी ऐसे दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक अलाइनमेंट सेंटर वर्टिकली सेंटर कर देना। ठीक है, ये हो गया लो का। वैसे ही अभी इन पे टैग देना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पंप वन है, पंप पहले स्टार्ट पुश बटन से शुरू करते हैं। टैग देंगे पीएलसी टैग पे जाके डिफॉल्ट टैग टेबल के अंदर स्टार्ट पुश बटन। ठीक है, तो ये स्टार्ट पुश बटन को मैं एनिमेशन में नॉर्मली मैं बटन पे दिया रहता हूँ, क्योंकि बटन प्रेस है कि नहीं, कभी कभी क्या होता है डिस्प्ले काम नहीं करता है, बटन प्रेस हुआ कि नहीं पता नहीं चलता है, तो हमेशा मैं एक एनिमेशन दे के छोड़ता हूँ कि जब प्रेस करेगा तो वो बटन ग्रीन दिखना चाहिए। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया। वैसे ही प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, तो साइकिल स्टार्ट स्टॉप हो गया। अभी ये पंप ऑन है कि ऑफ है वो भी दिखेगा। अभी ये लेवल लो जो रेक्टेंगल है पीछे का, उसका प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, एनिमेशन अपीयरेंस। इस पे क्या करेंगे हम, अगर आपका लो लेवल सेंसर हुआ, जैसे कि मोटर लेस देन 20% हुआ, सॉरी टैंक लेस देन 20% हुआ, तो ये ग्रीन दिखेगा। ठीक है, इसको कर दिया ग्रीन। अभी ये जैसे लो को दिया हमने, वैसे कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे और इनको दोनों को खींच कर लेंगे मीडियम पे एक दिखाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, लो लेवल सेंसर को हटा के इस पे दूंगा मैं मीडियम। मीडियम का आ गया टैंक लेवल मीडियम। ठीक है, अभी इनको कॉपी करूंगा वापस एरो, अपना लैपटॉप का एरो बटन से अप डाउन कर सकते हो, शिफ्ट पकड़ के करोगे तो थोड़ा ज्यादा फास्ट होगा। यह हाई है, और हाई का एनिमेशन क्या देंगे हम, हाई लेवल सेंसर। ठीक है, तो इतना तो टैग हो गया। अभी मेन जो है ये टैंक, टैंक का जो परसेंटेज है इसको कैसे देते हैं, प्रॉपर्टीज पे जाइए, जनरल पे जो पीएलसी टैग है, प्रोसेस टैग इधर लिखा है, देखिए ये प्रोसेस टैग पे हमारा जो मोटर का टैंक लेवल है डिफॉल्ट टैग में, ये देखिए वाटर टैंक लेवल, हमने जो MD50 नहीं MD54, क्योंकि ये काउंट है वाटर टैंक लेवल को, इसको दे देंगे। ठीक है, अभी इस पे क्या दिया है, मिनिमम 0, मैक्सिमम स्केल वैल्यू इज 100। अभी आप इस पे मिनिमम मैक्सिमम के लिए भी टैग दे सकते हो, बाकी हमको जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं अपना, प्रोजेक्ट सेव कर लेता हूँ एक बार, पहले इसको सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं पीएलसी को, उसके बाद एचएमआई का करेंगे।
वैसे ही ऐसे मेरे को भी सिमुलेट कर देंगे। तो अच्छा मैं तो सिमुलेट कर दिया, बट एक मेजर चीज हम भूल गए कि ये पंप ऑन हुआ तो इसका एनिमेशन दिखना चाहिए। तो ये थोड़ा प्रॉपर्टीज पे जाके इसका भी अपीयरेंस पे दे देते हैं कुछ ना कुछ, जैसे कि पंप का दे देंगे। ठीक है, ये पंप ऑन। अभी मेन ब्लॉक पे जाएंगे, इसको ऑनलाइन जाएंगे, पीएलसी को पहले स्टॉप कर देते हैं ताकि जो भी पुराना ऑन रहेगा ये हो जाएगा। एक बार रन करते हैं। ठीक है, अभी देखिए लेवल क्या दिखा रहा है। लेवल दिखा रहा है लो, क्योंकि टैंक का लेवल क्या है, 0। ये देखिए प्रोग्राम पे देखिए, अभी क्या है हमारा 20 से कम है तो लेवल लो आना चाहिए। ठीक है, तो लेवल लो है, लेवल लो के टाइम पे इधर है। अभी जैसे ही हम साइकिल स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो साइकिल ऑन हो जाएगा, क्योंकि टैंक लेवल लो है, पंप ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट दबाया, पंप ऑन हो गया, इधर भी पंप ऑन है, ये पंप ऑन हो गया। अभी पानी भर रहा है, अभी कब तक भरेगा, जैसे ही मीडियम आएगा 50 से ऊपर होगा तो हमारा ये मीडियम ऑन हो जाएगा। अभी देखिए लो चला गया, क्योंकि अभी 20 से कम नहीं है तो लो चला गया। अभी जैसे 50 के ऊपर है तो मीडियम ऑन हो गया। ये कब तक ऑन रहेगा, 90% तक मीडियम ऑन रहेगा। 90 में जैसे ही पहुंच जाएगा हाई ऑन हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगा। ये देखिए अभी टैंक लेवल हो गया हाई, तो मोटर हो गया बंद। ठीक है, अभी ये वापस कब चालू होगा, जब आपका वाटर टैंक खाली होगा। अभी जैसे कि वाटर टैंक फुल तो हुआ, ये यूज भी तो होगा ना वाटर टैंक, ये खाली होकर जब लो में आएगा तभी होगा। अभी ये डायरेक्ट खाली तो होगा नहीं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बनाया कि टैंक खाली हो जाए। तो टैंक खाली होने के लिए लॉजिक बना देते हैं थोड़ा। ऑफलाइन जाते हैं, इधर क्या कर देंगे, एक और पंप लगा देंगे। जिस ये कब ऑन होगा, जब आपका टैंक लेवल हाई हो जाएगा तो आपका एक ड्रेन पंप ऑन हो जाएगा। ठीक है, ड्रेनेज पंप मतलब ड्रेन कर देगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, चलो इसके पास ही लिखते हैं, यह लिख देते हैं पंप वन लॉजिक। ठीक है, इस पे क्लिक करके कंट्रोल आर दबाइए, उसके नीचे न्यू रन क्रिएट हो जाएगा। साइकिल तो ऑन चाहिए ही हमको, दोनों कंडीशन में साइकिल ऑन है। ये पंप सेकंड वाला एक पंप ऑन करेंगे हम, हमेशा आउटपुट पहले कनेक्ट कीजिए उसके बाद इंटरलॉक डालिए, इससे आपको पता चला, ये आपका दिमाग दिखा रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। इसका नाम दे देता हूँ पंप टू। ठीक है, Q0.2 ले लिया, पंप टू मतलब क्या, साइकिल ऑन हुआ और टैंक लेवल जब आपका हाई रहता है। ठीक है, टैंक लेवल जब आपका हाई हो गया तब ये पंप ऑन होगा और कंटिन्यू ऑन रहेगा, कब तक, जब तक आपका टैंक लेवल लो नहीं हो जाता, क्योंकि टैंक में पानी नहीं है फिर भी अगर आप पंप को चालू रखोगे तो आपका पंप हो जाएगा खराब। तो कंट्रोल भी, ठीक है, लो लेवल जैसे ही पहुंच जाएगा तो आपका दूसरा पंप बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया पंप टू, या फिर ड्रेन पंप लिख देते हैं इसका नाम, ड्रेन पंप। अभी टैंक खाली कैसे होगा, पंप तो ऑन किया, टैंक खाली कैसे होगा, अभी जैसे इस पे ऐड करते जा रहे थे वैसे ही इधर हमको एक और लॉजिक लिखना पड़ेगा, कि दोनों को मैं कॉपी करता हूँ, इस पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही दूसरा पंप ऑन हुआ, ये कर देता हूँ पंप ऑन की जगह पंप टू। ठीक है, पंप टू हो गया, पंप टू ऑन होते ही ऐड की जगह मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जो भी काउंट है उससे 1 माइनस होते होते जाएगा। ठीक है, एमडी ये जो वही काउंट है, काउंट सब वही है। ठीक है, ये माइनस होते होते जाएगा, तो माइनस होते होते कब तक जाएगा, जब तक लो नहीं पहुंच जाता। लो हो जाते ही ये पंप टू ऑफ हो जाएगा और लो हो जाते ही पंप वन चालू हो जाएगा वापस। ठीक है, तो वापस फुल हो जाएगा। अभी क्या होगा, फुल होगा ड्रेन होगा, फुल होगा ड्रेन होगा, ऐसे कंटिन्यू चालू रहेगा। चलो ऐसे में भी वैसा ही एनिमेशन करते हैं। ये एनिमेशन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते पूरा समझ जाएगा। ठीक है, इस पे देखिए रोटेट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये रोटेट कर रहता है, रोटेट ऑब्जेक्ट 90 डिग्री का।
इसके पीछे भी ऑर्डर सेंट टू बैक, और इसका टैग दे देते हैं, ये जो रेक्टेंगल का ग्रीन होगा जब आपका पंप टू चालू हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेन ब्लॉक पे भी जो लॉजिक हमने लिखा था उसको डाउनलोड कर देते हैं। अभी ये हमारा दोनों पंप लूप में पड़ गए। मतलब क्या है, ये देखिए पंप वन पंप टू दोनों मैं ऑन करके रखता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी पंप वन चालू है, जैसे ही हाई पे पहुंच जाएगा पंप टू चालू हो जाएगा, ठीक है। हाई में पहुंच गया, पंप वन हो गया बंद, पंप टू हो गया चालू। अभी ये डाउन जाता जाएगा, कब तक ड्रेन करेगा ये पंप, जब तक लेवल लो लो नहीं हो जाता। लो से आगे भी अगर आप पंप ऑन करें तो क्या होता है, मैकेनिकली पंप में सीलिंग रहता है, वो सीलिंग जल जाता है। तो उसका इंटरलॉक क्या है कि लो हो गया टैंक में पानी नहीं है तो मोटर पंप भी बंद हो जाना चाहिए। अभी देखिए लो हो गया, ये पंप बंद हो गया, अभी लो होते ही फिलिंग वाला पंप चालू हो गया। ये ड्रेनेज वाला पंप है, ये फिलिंग वाला चालू रहता है हाई तक, और ड्रेनेज वाला लो तक चालू रहता है। तो बेसिकली ये हमारा एक सिंपल वाटर टैंक लॉजिक है। इस पे और भी बहुत सारा मॉडिफिकेशन, और भी बहुत सारा इंटरलॉक एनिमेशन वाइज भी और भी अच्छा अच्छा आप कर सकते हो। ये पर्सन टू पर्सन है, आपका प्रोजेक्ट कैसा है क्या है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। कुछ भी डाउट वगैरह कुछ है तो कमेंट पे आप बता सकते हो। मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। अंटिल दैट, कीप ऑन ट्यूनिंग विद माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक।